So moving forward, next is your Middle Paleolithic. Middle Paleolithic. Middle Paleolithic phase. The time period is 50,000 to 40,000 BC. 50,000 to 40,000 BC. The tools, the stone tools that were used, the stone tools that were used अब अर्ली मैन ने टूल्स की टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी इंप्रूव कर दी है. एंड इन दिस फेज वी हैव फ्लेक टूल्स. द टूल्स दैट वर यूज्ड आर कॉल्ड फ्लेक टूल्स. Are flake tools. The main tools that were used are blades, borers. Borers and scrapers. Scrapers. Sorry, ek is. ठीक है. So अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो रही है कि पहले जो हमारे पास क्लीवर्स हैंड एक्सेस थे अब उनको हमने थोड़ा सा क्या किया है फ्लेक टूल्स यूज किए हैं. यानी हम जो टूल है उसके एजेस को शार्प कर रहे हैं फ्लेक टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. द मेजर साइट्स फ्रॉम दिस पीरियड आर अलोंग द रिवर नर्मदा एंड साउथ ऑफ एंड साउथ ऑफ रिवर तुंगभद्रा. इसीलिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इंडिया का फिजिकल डिवीजन अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो, बिकॉज आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए. अगर हम तुंगभद्रा की बात करें तो हम एक्सट्रीम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक? सो नेक्स्ट फेज इज योर कौन सा अगला फेज? अपर पेलियोलिथिक फेज. अपर पेलियोलिथिक फेज. टाइम पीरियड क्या है इसका? 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी. इन दिस फेज क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्मर.
लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट। विद दिस क्लाइमेट चेंज we see the arrival of homo sapiens and the tools that were used are known as flint tools. The major locations from this period are rock shelters of Bhimbetka, central Madhya Pradesh, southern UP, South Bihar, Andhra Pradesh. अब जैसे जैसे इंसान डेवलप होता जाएगा, जैसे जैसे सिविलाइजेशंस इस्टेब्लिश होती जाएंगी, एक तो हमारा टाइम पीरियड कम होगा और उस टाइम पीरियड में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होगी। अभी टोटल एक्टिविटी क्या है भाई, पत्थर को नई शक्ल दे रहे हैं, नया टूल क्रिएट कर रहे हैं, उसके अलावा इंसान को और कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो अपनी बेसिक नेसेसिटी विद रिस्पेक्ट टू फूड है जिसको वो फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है। रहने के लिए केव्स का इस्तेमाल कर रहा है और खाने के लिए स्टोन टूल्स। ये एज यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इसके बाद जो दूसरी एज हमारे पास आती है, दैट इज़ योर मीसोलिथिक एज। फ्लिंट टूल्स में जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो है ब्यूरिन्स, उनको कहते हैं BURINS। सो अगला है आपका मीसोलिथिक एज। दिस एज स्टार्ट्स अराउंड 9000 BC and is an intermediate age between Paleolithic and Neolithic ages. And is an intermediate age between Paleolithic and Neolithic age, यानी ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बीच में ये एक इंटरमीडिएट फेज है 5000 साल का खाली। सो इसको मीसोलिथिक या स्टोन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। With climate change,
एंड चेंजेस इन विद क्लाइमेट चेंज एंड चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना ह्यूमन बीइंग वॉज एबल टू human being was able to move to new areas. अब जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आती गई, आपके चेंजेस ज़मीन पे भी वैसी वैसी होती गई, और उससे क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग है उसको मौका मिला, वो और नए नए एरियाज की तरफ जाने लगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स, द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स फ्रॉम दिस पीरियड आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स, आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग मीसोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग्स वर इन्वॉल्व्ड इन हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग एंड एट अ लेटर स्टेज इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड एट अ लेटर स्टेज इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. द मेजर मीसोलिथिक साइट्स, द मेजर मीसोलिथिक साइट्स आर आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश भगोर, BAGOR, भगोर इन राजस्थान, where the first evidence of domesticated animals is found around 5000 BC. Full stop. Another important site from this period is Bhimbetka. सो अब आपके सवाल क्या हो सकते हैं इस अभी तक के डिस्कशन में से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सवाल क्या क्या हो सकते हैं. सवाल अगर आपको इस पीरियड में से आते हैं तो वो आएंगे अबाउट दीज फीचर्स ओनली. क्या एग्रीकल्चर क्वेश्चन हो सकता है, डिड ह्यूमन बीइंग स्टार्ट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग मीसोलिथिक पीरियड और पेलियोलिथिक पीरियड, दोनों में से कब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, इन दोनों में से एग्रीकल्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो यही फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हर एक एज के. जैसे हमने पेलियोलिथिक पढ़ा, उसमें कोई एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है, स्टोन टूल्स हैं. लास्ट वाले फेज में क्या हो रहा है, थोड़ी सी क्लाइमेट चेंज हो रही है, होमोसेपियंस आ रहे हैं. इस वाले फेज की जब हम बात करें मीसोलिथिक,
इसमें क्या हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये एक नई चेंज आई हुई है। साइट्स में पता होना चाहिए, भीमबेट का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, पिछले फेज में भी था, यहाँ पे भी है। नेचुरल केव्स हैं, स्टोन केव्स हैं, और इन स्टोन केव्स में इंसान क्या कर रहा है, जब हम कल्चर की बात करेंगे, पेंटिंग्स बना रहा है। जब उसको फ्री टाइम मिल रहा है, सोचा अब क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ यार, बात करने के लिए भी कोई नहीं, क्योंकि बात करनी आती ही नहीं है, तो मैं शुरू हो गया पेंटिंग बनाने को। क्या पेंटिंग बनाई मैंने, इंसान मैंने ऐसा बनाया। सो अगर आप भीमबेट का रॉक शेल्टर्स देखोगे, वहाँ पे इस टाइप की क्रूड पेंटिंग्स बनी हुई हैं। दैट इज़ वाई भीमबेट का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम दिस फेज। ये बस यही इस तरह की ही क्रूड एक्टिविटीज़ हैं जो अर्ली मैन कर रहा है, और उसको करने के लिए कुछ नहीं है। सो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट इज़ योर नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, सो नियोलिथिक एज, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, यानी न्यू स्टोन एज। टाइम पीरियड क्या है इसका, 5000 टू 1800 बीसी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज इज कल्टिवेशन, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, द हंटर गैदरर, कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, द हंटर गैदरर, द हंटर गैदरर, अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ। स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ, स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ, फुल स्टॉप। दिस लेड, this led, this led to establishment of, this led to establishment of village settlements, this led to the establishment of village settlements। नेक्स्ट पॉइंट, नियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक टूल्स सच एज ग्राउंड स्टोन टूल्स, ग्राउंड स्टोन टूल्स, सेल्ट्स, सेल्ट्स, एडजेस, चिसल्स, चिसल्स, चिसल्स हैव बीन फाउंड, हैव बीन फाउंड अक्रॉस इंडिया, across India। next point,
द अर्लीएस्ट सेटलमेंट्स द अर्लीएस्ट सेटलमेंट साइट फ्रॉम दिस पीरियड The earliest settlement site is मेहरगढ़। आप सबके पास मास्क हैं क्योंकि जुर्माना लग सकता है आपको। इस मेहरगढ़ नियर रिवर बोलान कल आप लोग मुझे बताओगे रिवर बोलान कहाँ पे है। हाँ जी कल होमवर्क बताना मुझे रिवर बोलान कहाँ पे है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नियोलिथिक साइट्स फ्रॉम अराउंड 2500 बीसी to 1500 BC are also found in Kashmir which include ये तो आप सबको पता होगा which include two important sites named Burzahom and Gufkral. जी ये तो आप ढूंढोगे ना आज। अगर कल तक नहीं पता चला कल मैं बताऊंगा। ये भी होमवर्क। बुर्जहामा कहाँ पे है गुफकराल कहाँ पे है गांदरबल और हारवन नहीं हारवन काली। हाँ सो गुफकराल कहाँ है ये आप लोग बताओगे। जी सुना ही नहीं मैंने। जो बोलना है जोर से बोलो बस पॉइंट ये है। चलो कल बताना ढूंढ के आना। फुल स्टॉप इसी के साथ लिखो बोथ दी साइट्स हैव पिट ड्वेलिंग्स। फुल स्टॉप। एट बुर्जहाम we also find evidence of dog burial along with human graves. Full stop. Next point. The main crops that were grown during this period were wheat. क्यों? चलते चलते गाड़ियां तो है नहीं तब। तो पहाड़ ही तो तब हमारे पास एरिया है जहां पे रह रहे हैं क्योंकि वी आर स्टिल इन द स्टोन एज। तो इनको पहाड़ ही चाहिए पहाड़ ही इनको सूट करता है। तो बुर्जहामा कितना दूर है? हाँ तो अर्ली मैन है ताकतवर है प्योर प्रोटीन खाता है दिन में। ये तो ताकतवर आदमी इसको यही एक काम आता है। इसको चलना है ऐसे भी हंटिंग गैदरिंग इसको चल के ही करनी है। सो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ थोड़ा सा आपका टेम्परेचर जो है वो इम्प्रूव हुआ। हम आइस एज से ये जो आज का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट इस टेम्परेचर में हम आ गए हैं क्योंकि
आइस एज वाली जो चेंज हुई है उससे इतना सिग्निफिकेंट चेंज क्लाइमेट में अभी तक नहीं हुआ है। अब हम कह रहे हैं यार 2 डिग्री 3 डिग्री का शायद क्लाइमेट चेंज हो जाएगा आगे चल के, अगर हमने इतना ही पोल्यूशन मचाया। लेकिन आइस एज वाली जो चेंज हुई है पेलियोलिथिक पीरियड में, तब से अभी तक कोई सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंज नहीं आई है। इसलिए थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ, क्लाइमेट इम्प्रूव हुआ, गर्मी आ गई प्लानट पे, थोड़ी सी गर्मी आ गई, उससे क्या हुआ वेजिटेशन में चेंजेस आई। जो एरियाज़ कई इलाके ऐसे थे जो स्नो कवर्ड थे हमेशा के लिए, वहाँ से स्नो मेल्ट होनी शुरू हुई तो ग्रीनरी इस्टेब्लिश होती गई, ग्रीनरी फैलती गई, उससे अर्ली मैन को मौका मिला और आगे आगे एरियाज़ को एक्सप्लोर करने का। और वही पॉइंट है कि हमने देखा है कि पेलियोलिथिक पीरियड में भी कश्मीर में आपको साइट्स मिलते हैं, यानी ओल्ड स्टोन एज के भी हैं, न्यू स्टोन एज के भी हैं, बीच में डिफरेंस कितना है हज़ारों सालों का। तो ये 1 साल में या 2 साल में नहीं आए हैं, ये हज़ारों साल लगा के छोटे छोटे एरियाज में इस्टाब्लिश हुए हैं। सो क्या लिख रहे थे आप, द मेन क्रॉप्स दैट वर ग्रोन वर वीट बार्ले प्लम्स डेट्स, वीट बार्ले प्लम्स डेट्स, वीट बार्ले प्लम्स डेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, बेलान वैली BELAN, बेलान वैली इन यूपी, इज अ साइट वेयर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इज फाउंड। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया है, हमने एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया, सो वी हैव स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर ऑल्सो। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, हम अपनी कुछ क्रॉप्स उगा रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग आर ओन फूड। सिंस वी आर प्रोड्यूसिंग फूड, सो दैट वन एक्टिविटी वुड ऑल्सो लीड टू अनदर डिवेलपमेंट। वो क्या चीज़ होगी, हमने अनाज उगाया, इसको स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, सो उससे क्या डेवलप होगा, हमें बर्तन चाहिए ना इसको स्टोर करने के लिए, सो हम किसके बर्तन बनाएंगे, मिट्टी के। सो कौन सी टेक्नोलॉजी हम नई ला रहे हैं, कौन सी हम एक और चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज़ योर पॉटरी। अब हमें पॉट्स चाहिए, हमें बर्तन चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। सो आप अगला पॉइंट लिखोगे, सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉटरी ट्रेडिशंस ऑल्सो, पॉटरी ट्रेडिशंस आर ऑल्सो फाउंड। एक साइट है चोपानी मंडो, चोपानी मंडो प्रोवाइड्स द अर्लीएस्ट एविडेंस, चोपानी मंडो प्रोवाइड्स द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ पॉटरी यूज़ ऑफ पॉटरी। सो इस पीरियड में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम हंटिंग गैदरिंग से किस स्टेज पे आ गए हैं, सेटल्ड लाइफ पे। सेटल्ड लाइफ से क्या हुआ है, विलेज सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश हो गई हैं। अब जाके हमारा
थोड़ा सा डेवलपमेंट किस चीज़ का होगा इन आर सोशल कंसेप्ट्स, फैमिली। क्यों? क्योंकि अब हम एक जगह रहे, एक ही जगह रह रहे हैं, हमने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, हम एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, हम पॉटरी कर रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं थोड़ी सी टूवर्ड्स बिल्डिंग अ सिविलाइजेशन हम जा रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर नियोलिथिक पीरियड। एंड नियोलिथिक साइट्स आर फाउंड अक्रॉस इंडिया, ये नॉर्थ में भी है और ये साउथ में भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स? सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? सो द नेक्स्ट पीरियड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चालकोलिथिक कल्चर्स। चालकोलिथिक कल्चर्स और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1800 BC to 1000 BC। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज स्टोन कॉपर एज। सो द फर्स्ट मेटल दैट वॉज यूज इज कौन सा है? फर्स्ट मेटल जो यूज हुआ कौन सा है? वो कौन है? ये ब्रॉन्ज कॉपर से ही बनेगा ना। सो अभी तो लिखा हमने स्टोन कॉपर एज। सो पहला मेटल जो यूज हुआ है वो कॉपर है। कॉपर से ही ब्रॉन्ज बनाया जाता है। सो ब्रॉन्ज होने के लिए आपके पास कॉपर होना ज़रूरी है। सो लिखा ऑल्सो नोन एज स्टोन कॉपर एज। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मेटल दैट वॉज यूज इज कॉपर। फुल स्टॉप। द मेजर साइट्स फ्रॉम दिस पीरियड आर फाउंड इन प्रेजेंट डे राजस्थान एंड महाराष्ट्र। फुल स्टॉप। इम्पॉर्टेंट साइट्स आर ईरान, जोरवे, इनाम गांव। ये इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। लिख लिया? रब करूं? सो अब ये जो साइट्स हैं और हमने जो वर्ड यूज किया यहाँ पे, हमने क्या वर्ड यूज किया? चालकोलिथिक कल्चर। सो हम बात करेंगे इस पीरियड की थोड़ी सी इन डिटेल एज कंपेयर टू दी अदर प्रायर फेजेस। हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कल्चर। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की बात करेंगे, हम एक सेटल्ड लाइफ की बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमने लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी है। पहले एक अर्ली मैन है जो हंटिंग गैदरिंग कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो एक सेटल्ड लाइफ जी रहा है, एक प्रॉपर रूरल सेटलमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस फेज ओनली वुड बी इकोनॉमिक बेस फ्रॉम दिस पीरियड वॉज एसोसिएटेड
विद एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग फुल स्टॉप एक्सकवेशंस एट इनाम गांव एक्सकवेशंस एट इनाम गांव excavations at Inam Gaon give an evidence of knowledge about crop rotation harvesting and irrigation क्रॉप रोटेशन हार्वेस्टिंग एंड इरीगेशन फुल स्टॉप सर्टन रेफरेंसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट अबाउट द यूज ऑफ प्लोशेयर ये क्या होता है ये क्या चीज़ है प्लोशेयर हल जिसको कहते हैं अबाउट द यूज ऑफ प्लोशेयर हाँ एग्जैक्टली एनसी का फ्लैग जो पुराना अर्स्टवाइल जेएनके का फ्लैग था उस सब में यही बना हुआ है नेक्स्ट पॉइंट वी ऑल्सो हैव एविडेंसेस About we also have evidences about village settlements which suggest existence of some kind of hierarchical system some कंसेप्ट ऑफ हायरार्कियल सिस्टम यानी एक तरह का हमें लगता है कि भाई एक हायरार्कियल सिस्टम था एक विलेज कम्युनिटी है जिसमें एक हायरार्कियल सिस्टम है जो विलेज का हिसाब किताब संभाल रहे हैं सो थोड़ा सा आप खुद एनालाइज करो कि इंसान थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर रहा है अपने आप को इवॉल्व हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ हिज लिविंग स्टैंडर्ड्स वो थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट द डिस्टिंक्टिव हाउस पैटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड is rectangular and circular. With the main characteristics being walls made up of mud and thatched roof. जी thatched roofs यानी मिट्टी की दीवारें और मिट्टी और घास से बना हुआ छत है उस मकान की नेक्स्ट पॉइंट archaeological excavations
ऑल्सो सजेस्ट सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम दिस पीरियड वी ऑल्सो फाइंड various copper and terracotta objects. नेक्स्ट पॉइंट, पेंटेड पॉटरी दैट वॉज मोस्टली ब्लैक ऑन रेड इज ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दिस पीरियड. यानी अब जो पॉटरी है, पिछले फेज में थोड़ी सी क्रूड पॉटरी है, सीधा मटका बना लिया, कुछ बना लिया. अब क्या है, उस पॉटरी को थोड़ा सा सजाया भी जा रहा है, ब्लैक ऑन रेड, थोड़ा सा उसको रंगीन बनाया जा रहा है. क्योंकि अब आप मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हो, आप डोमेस्टिकेट भी कर रहे हो एनिमल्स को, आप फार्मिंग भी कर रहे हो, अब आपकी एक प्रॉपरली सेटल्ड लाइफ है. तो आपको अब क्योंकि देखो, इनिशियली इंसान को दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि भाई मुझे अपना फूड गैदरिंग करनी है, मैं ये नहीं करूँगा मैं मर जाऊँगा. जैसे जैसे सेटल होता गया, जैसे जैसे एग्रीकल्चर आता गया, एज सून एज एग्रीकल्चर स्टार्टेड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, इंसान को टाइम मिलता गया. उसे पता है मैंने आज बीज बोया, इतने टाइम के बाद मुझे अनाज मिल जाएगा खाने के लिए. सो ही इज़ हैप्पी दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गो एवरी डे फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग. उसे हर दिन बाहर जाके हंटिंग गैदरिंग नहीं करनी है. उसे पता है ये श्योर शॉर्ट क्रॉप आने वाली है. ही इज़ कंटेंट दैट ही विल बी हैविंग फूड सिक्योरिटी. साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहा है. उसे पता है ये रिसोर्स है, दूसरा रिसोर्स मेरे पास एनिमल्स भी हैं जो मैंने पाले हुए हैं. सो नाउ ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स. फिर वो पॉटरी बना रहा है, उसे मूड आ गया पॉटरी पे कलर भी करना चाहिए. सो इस पीरियड में हमें पेंटेड पॉटरी मिलती है, क्योंकि अब इसके पास टाइम है ये सारी एक्टिविटीज़ करने का. इसके बाद क्या होगा, जब इंसान के पास टाइम है तो वो क्या करता है, बैठ के सोचता है. क्यों? क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना तब पॉसिबल नहीं था. क्यों नहीं था? हाँ, अभी हम नहीं पहुँचे, अभी हम इंस्टाग्राम पे दिमाग ज़ाया नहीं कर रहे हैं. सो अभी हम क्या करें, अभी हम सोच रहे हैं. इस टाइम पे इंसान सोचता है, क्या सोच रहा है? नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिज एग्जिस्टेंस. मैं कौन हूँ भाई, क्या हूँ मैं, ये क्या हो क्या रहा है मेरे आसपास? खाने की तो अब टेंशन नहीं है. सो अब वो सोचेगा भाई मैं आया कहाँ से, ये क्या हो रहा है, लाइट हो जाती है फिर अंधेरा हो जाता है, वॉट इज़ दिस ऑल. नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिज एग्जिस्टेंस. नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट कि कौन है भाई, ये किसने बनाया ये सारा कुछ. नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट क्रिएटर, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये सारा सेटअप क्या है. तो यहाँ से ही हमें मिलता है फर्स्ट कंसेप्ट्स अबाउट रिलीजन. अब वो सोचता है यार ये हो क्या रहा है, कौन चला रहा है ये, इतने टाइम के बाद लाइट हो जाती है फिर सेम टाइम के बाद अंधेरा हो जाता है फिर लाइट हो जाती है, ये मैं कुछ डालता हूँ ज़मीन में वो पौधा बन के निकल आता है, ये सारी चीज़ें हो क्या रही है. सो इस टाइम से हमें रिलीजन के कंसेप्ट्स भी मिलते हैं. मुझे पता है ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, लेकिन करना है, मजबूरी है, उसका कोई इलाज नहीं है. सो इस टाइम पे हमें रिलीजन का कंसेप्ट भी मिलता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट अ मैन थिंक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन इज दैट एवरीथिंग इज़ गॉड. यानी वो उसे समझ आता है कि भाई कोई एंटिटी है
जो ये सारा निज़ाम चला रही है। सो पहला कंसेप्ट जो रिलीजन का है, दैट इज़ अबाउट मदर गॉडेस। हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में हमें जो एक एंटिटी मिली है कि जो शायद यही एक एंटिटी है जिसको पूजा जाता था, वो है द कंसेप्ट ऑफ मदर गॉडेस। सो अगला पॉइंट आप लिखोगे, अभी किताबें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सकवेशंस हैव ऑल्सो थ्रोन लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। फुल स्टॉप। एक्सकवेशन ऑफ फीमेल फिगरेंस आप लोगों में से कोई म्यूजियम गया है आज तक? कौन से वाले में? SPS म्यूजियम। द एक्सकवेशन ऑफ फीमेल फिगरेंस सजेस्ट द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस फुल स्टॉप। द मेन प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ बॉडीज वॉज बरियल। फुल स्टॉप। देयर आर ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ बरिंग द डेड within the houses जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें हमने और पढ़नी है, वैसे वैसे हम और चीज़ें सोसाइटी रिलीजन, अब यही सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे पढ़नी है। वो कोई भी कल्चर हो, वो कोई भी पीरियड हो, कोई भी अम्पायर हो, कोई भी किंगडम हो, यही सारी चीज़ें हमने पढ़नी है आगे वाले पीरियड्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन है? कोई क्वेश्चंस? समझ आया सबको? सो दिस इज़ ऑल फॉर योर क्लास फॉर टुडे। बाकी हम जी केम टू इंडिया, ये तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि इंसान की क्रिएशन हुई कहाँ से। अगर एक थ्योरी कहती है भाई एक एक्सीडेंटल ये है क्रिएशन है, इंसान एक एक्सीडेंटल क्रिएशन है कि भाई कई सालों का टाइम लगने के बाद पानी में एक आपका एक जीन बनता है, वो सारा क्रिएट होते होते जी। इसको बंद कर दो आप।